हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं इससे पहले भी एक एडसेंस के ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन उसको मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से इतना खास नहीं हुआ। तो आज जो बिल्कुल बिगिनर, जिसके एडसेंस अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिला, उनके लिए वीडियो है। अगर अगर इस चीज़ को आप इस मैंने एक आर्टिकल्स भी लिखा इस वेबसाइट का, कि इस आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ ले तो आपका शायद मेरे ख्याल से आपका एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो आपको क्या प्रॉब्लम वेबसाइट में, वो भी पता चल जाएगा। तो पहले तो मैं बताऊंगा, अगर एडसेंस आपको अप्रूवल कराना है जो नया वेब ब्लॉगर है, तो इसके हर चीज़ को मैंने इस आर्टिकल्स में मैंने दे दिया। मतलब इस आर्टिकल्स में मैंने उस चीज़ को पूरी डिटेल्स में बताया जो एक नया ब्लॉगर एडसेंस अप्रूवल के लिए चाहिए। तो आज के विषय यही वीडियो है, मैं उसी में बारे में डिटेल बताऊंगा अभी। तो सुनो, पहले बात ये है, अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो सारे बंदे यूट्यूब सब सुना होगा, कोई बताता है एक महीना डिले होना चाहिए, मतलब आपको वेबसाइट का एक महीना होना चाहिए और आपको वेबसाइट ब्लॉगर में होना चाहिए, या जो भी बताता है। मैं बता देता हूँ, अगर आपको वेबसाइट ब्लॉगर में हो तो 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा मिनिमम, और अगर वर्डप्रेस में हो तो 1 महीना, और कम से कम उसमें 20 से ऊपर ही आर्टिकल्स होना चाहिए और अच्छे से यूनिक होना चाहिए और इमेज भी यूनिक होना चाहिए। ये सारी चीज मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, पहले तो आपका टेम्पलेट जो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे मोबाइल में होना चाहिए। तो एसईओ आपको कैसे पता चलेगा मेरा मतलब जो टेम्पलेट है वो एसईओ फ्रेंडली है, तो इस वीडियो को अगर देखोगे तो पता चल जाएगा। दूसरी बात है डोमेन्स, अगर कोई डोमेन्स लेना है, गोडेडी या बिग्रॉक से कहीं से भी लेते हो, डोमेन लेना पड़ेगा आपको। अगर blogspot.com से आप ले सकते हो तो यूनिक आर्टिकल कम से कम 40 लिखना पड़ेगा और 6-7 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हो, मिल भी जाएगा शायद। तो डोमेन लेना है, और फिर डोमेन कैसे बाय करना है, इसके लिए मैं 2 लिंक डाल के रखा हुआ, और इसके लिए अगर हाउ टू बाई डोमेन, तो उसके लिए मैं आर्टिकल्स लिख के रखा हूँ। अगर आप इसमें अब जाओगे, इस आर्टिकल्स को पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तीसरी पेज, पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपको जो पेज शो होता है बटन में या टॉप बटन में, तो उसमें अगर पेज में अगर क्लिक करेंगे, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सी आइटम वगैरह जो भी है, तो उसमें क्लिक करेंगे तो पेज को पूरा आना चाहिए आपको। नहीं तो गूगल जैसे आपको रोबोट सकते, तो वेबसाइट है तो कोई मतलब रोबोट तो नहीं चेक करते, कोई पर्सनली चेक करते मेरे ख्याल से, तो चेक करेगा तो क्या करेगा आपको, जैसे वेबसाइट में मतलब क्लिक करे, आपको पेज में कुछ मिला नहीं या कोई ब्लैंक 404 एरर आ गया, तो आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो पेज आपको सही से क्रिएट होना चाहिए, और पेज में अगर क्लिक करे तो उसमें आपको सब कुछ सही से खुलना भी चाहिए। अच्छा, तीसरा गया, अभी चौथा में आपको मेनूज बनाना पड़ेगा। हर मेनूज में क्लिक करे तो एक पोस्ट कम से कम होना चाहिए। मेनूज कैसे बनते हैं और मेनूज को कैटेगरी के साथ कैसे ऐड करना है, ये ब्लॉगर और वर्डप्रेस में दोनों मैंने बताया इस आर्टिकल्स में, आप वीडियो देख सकते हो। सोशल लिंक डालना है, सोशल लिंक को भी डालना है, सोशल लिंक कैसे कनेक्ट करना है वो भी डालना है। सोशल लिंक को आप जैसे मेनू के साथ कैसे ब्लॉगर में ऐड करोगे, उसको कैसे डालोगे, ये भी मैंने इसको बताया, और इसको आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। कैटेगरीज बनाना है, कैटेगरीज को कैसे सेट करना है वो भी मैंने बताया इसमें, और कैटेगरी ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडसेंस अप्रूवल के लिए। इमेज आपको यूनिक डालना पड़ेगा, जैसे आप कैसे कॉपीराइट किया और डाल दे, नहीं ऐसे नहीं है। जैसे इमेज यूनिक कैसे बनाना है वो भी मैंने एक वीडियो डाला है, आप देख सकते हो। कोई भी इमेज आपके पास फोटोशॉप होगा, हो नहीं हो को नहीं चलेगा, लेकिन आप इमेज को यूनिक बना सकते हो, ठीक। दूसरा ट्रैफिक, ट्रैफिक जीरो होगा तो आपको, अगर ये भी वीडियो अरे आ नहीं रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। टाइम, टाइम मैंने बताया, अगर ब्लॉगर spot.com से लेना चाहते हो मिनिमम 6 महीने आपको आर्टिकल्स कंटिन्यू लिखना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब जाके होगा। बहुत ब्लॉगर बहुत कुछ बोल सकता है, मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। और अगर .com ले लिया तो 1 महीना कम से कम तो लगेगा ही। और यूनिक आर्टिकल्स आप कभी भी ऐसे कॉपीराइट करके मत डालना। यूनिक आर्टिकल लिखने के लिए मैंने एक तरीका बताया, बहुत ईजी तरीका है, जो इसमें एक वीडियो भी डाल रखा है, आप उसको फॉलो करो, जो बहुत ईजी है। आप कोई भी अच्छा आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो और उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर लो, आप बोलो भी अगर, मतलब बहुत ईजी है। अच्छा, दूसरी बात, गूगल कुछ वेबसाइट के ऊपर वो एडसेंस का अप्रूवल नहीं देता है, जो पॉलिसी है उस पॉलिसी पर मैं थोड़ा बहुत बताया, देख लेना, ठीक है। और दूसरे यूनिक आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैं इसमें बताया,
टाइप ऑफ वेबसाइट। अभी वेबसाइट के बारे में बात करो, कोई बोलता है एडसेंस के लिए आपको कोई एक हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ होना चाहिए। कोई बोलता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। मेरा अगर एक वेबसाइट में आओगे आओगे देखोगे, मेरा वेबसाइट सारे चीज मिला फिर भी एडसेंस अप्रूवल मिल गया, वो भी 2019 में। ठीक है, लास्ट है ईमेल आईडी। और दूसरा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आप जैसे डालोगे कोई भी एडसेंस अप्रूवल पे, आपको एडसेंस ईमेल आईडी बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए, इसमें देखोगे तो पता चलेगा। और हर पोस्ट में ऐसे ऑन टैग आना चाहिए, और साइट मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट मैप होगा तो साइट मैप ही मेन इंपॉर्टेंट। अगर मतलब गूगल रोबोट्स आता है तो साइट मैप पहले चेक कर दो, तो हर जगह नहीं दे सकता है, तो साइट मैप को चेक करेगा तो उसी हिसाब से आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है आपको। तो ये आर्टिकल सब पढ़ोगे आपको पूरी ए टू जेड क्लियर हो जाएगा, क्या क्या करना है नहीं करना है ए टू जेड। मैं आर्टिकल्स का लिंक डाल दूंगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स से जरूर लिखना। और अगर किसी का एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा, जो बिगिनर है, जो प्रॉब्लम है, उसको लिंक शेयर करो, मैं उसको डिस्कस करके जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना है।